नमस्कार, डी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। आज 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जिला इकाई समस्तीपुर के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शहर में रैली निकाला और प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिल्ली में जो किसान विरोधी 3 काला कानून थोपा गया है किसानों के ऊपर, सरकार किसान से सम्मानजनक बात नहीं कर रही है, कानून वापस नहीं कर रही है, इसीलिए उस दिल्ली आंदोलन के समर्थन में आज पूरे देश में कलेक्टर के यहाँ हम प्रदर्शन करके हम सरकार को मजबूर करेंगे कि आप उस काला कानून को वापस कीजिए। वहीं दूसरी ओर ताजपुर बीआरसी में भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ इनॉस कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे। इनॉस कौनसन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीआरसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। बीआरसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। बीआरपी में घुसखोरी बंद करो, बीआरसी में घुसखोरी बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर नमस्कार। अभी सर यहाँ पे बीआरसी ऑफिस के यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन धरना आपने दिया है, और ये क्या कारण है आपका? देखिए, इनकलाबी नौजवान सभा जो शिक्षा रोजगार के लिए लगातार लड़ रही है पूरे देश में, उसी का एक अंग ताजपुर पर देख रहे हैं। बीआरसी पर यहाँ इनॉस के उपाध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार, आज ये अनशन पर बैठे हैं। ताजपुर बीआरसी के बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी कि एक शिक्षक अजय बाबू हैं, दो जगह से वेतनमान उठा रहे हैं, कुछ आदेश पाल पर अवैध उगाही का आरोप है, कुछ शिक्षक हैं जो 3 साल अपने कमेटी को पूरा भी कर लिए, प्रधानाध्यापक भी दूसरे जगह के हैं, लेकिन उनको वहां के लिए विरमित नहीं किया जा रहा है, यहां इनको बीआरसी में जबरदस्ती रखा जा रहा है। तो ये सब जो लग रहा है कि ये बीआरसी बिल्कुल अनियमितता का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है, और ये भ्रष्टाचार के कारण पूरे ब्लॉक में जो शिक्षकों का शिक्षा है, पठन पाठन है, वो प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भाकपा माले इनॉस के आंदोलन को मजबूती से साथ दिया है, सहयोग दिया है, और हम आज बीआरसी पर अनशन के जरिए मांग कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है इनॉस का, आप मांग को मानिए, मांग को मान करके पूरा कीजिए, जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, अन्यथा ये आंदोलन और आगे जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर।